Well guys, Android is Android and nothing can beat it when it comes to the marvelous secret features it offers. मतलब इसकी पहचान ही यही है, बस थोड़ा सा ढूंढने की देर है। तो गाइस अपनी कुर्सी की पेटी को ना थोड़ा सा कस के बांध लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें इन सीक्रेट एप्स एंड ट्रिक्स की ऐसी अद्भुत रोलर कोस्टर राइड पे ले जाने वाला हूँ कि तुम्हारा बिल्कुल सर चकरा जाएगा। मतलब व्हाट्सएप से लेकर क्रोम और तुम्हारे इंटरनेट स्पीड से लेकर पूरा तुम्हारा एंड्रॉइड होम इन ट्रिक्स की बौछार से ना छलनी होने वाला है। सो माय नेम इज किंकर, यू गाइस आर वॉचिंग टिप टॉप टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स चेक आउट दीज अमेजिंग न्यू एंड्रॉइड सीक्रेट एप्स एंड ट्रिक्स। अगर तुम लोग कोई भी YouTube वीडियो या फिर किसी भी दूसरे वेबसाइट या ऐप से कोई वीडियो इस तरह पॉपअप या फिर फ्लोटिंग विंडो मोड में देखना चाहते हो बिना कोई प्रीमियम मेंबरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन के, तो इसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक है मेरे पास। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से VLC फॉर एंड्रॉयड इस वीडियो प्लेयर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। देन आफ्टर गो टू यूट्यूब एंड सिलेक्ट एनी वीडियो यू विश टू प्ले और उसे यहाँ से शेयर करके प्ले विथ VLC पे क्लिक करना है। ये वीडियो अब VLC प्लेयर में रन होगी और अब तुम यहाँ से पॉपअप प्लेयर पे क्लिक करके किसी भी वीडियो को इस तरह से फ्लोटिंग विंडो मोड में देख सकते हो। ये ट्रिक ना काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी मुझे, जिससे कि आप किसी भी ऐप या वेबसाइट में जहां पे किसी भी वीडियो के लिए मे बी पॉपअप या फ्लोटिंग विंडो मोड का ऑप्शन नहीं मिलता या आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो ऐसे में आप इस ट्रिक को यूज करके उस ऐप या वेबसाइट से इस फीचर को इनेबल करते हुए लाइक पॉपअप विंडो मोड में वीडियो को देखते हुए अपनी मल्टीटास्किंग को कंटिन्यू रख सकते हो। हम ऐसे ज़्यादातर लोग ना अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स है मेरे पास। जैसे कि इसमें आप किसी भी वेबसाइट या फिर पेज को फास्ट लोड करके अपनी ब्राउजिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम के एड्रेस बार में chrome:// flags टाइप करके सर्च कर लेना है। यहाँ से सर्च फ्लैग में आपको सबसे पहले टाइप करना है QUIC और इस एक्सपेरिमेंटल क्विक प्रोटोकॉल को डिफॉल्ट से हटाकर इनेबल कर लेना है। उसके बाद बस एक बार क्रोम को रीस्टार्ट कर लो एंड देन यू विल नोटिस कि जो भी वेबसाइट या पेज आप ब्राउज या ओपन करोगे वो काफी जल्दी लोड होने लगेगी। इट विल डेफिनेटली इनहेंस योर ब्राउजिंग स्पीड एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। हालांकि ये फीचर अभी एक्सपेरिमेंटल है, यानी ये सिर्फ उन्हीं वेबसाइट में काम करती है जो कि ऑप्टिमाइज्ड है, बट इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस द डिफरेंस। नेक्स्ट ट्रिक भी क्रोम से रिलेटेड है। तो मान लो कि तुम्हें कोई फाइल डाउनलोड करनी है बट अभी तुम्हारे पास इनफ मोबाइल डेटा नहीं है या फिर तुम अपने वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो। बेसिकली यू वांट टू शेड्यूल दिस डाउनलोड फॉर लेटर। अनफॉर्चुनेटली क्रोम में ये फीचर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, बट यू कैन इनेबल इट। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको फिर से फ्लैग वाले सेक्शन में जाना है एंड यहां से आपको फ्लैग्स में सर्च करना है डाउनलोड लेटर। यहां से आपको दो फीचर्स को इनेबल करना है, पहला है इनेबल डाउनलोड लेटर एंड दूसरा है शो डाउनलोड लेटर डायलॉग ऑन वाईफाई। इन दोनों को इनेबल करने के बाद जैसे आप अपना क्रोम रीस्टार्ट करोगे एंड अब अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करने जाओगे तो यहां पे आपको डाउनलोड लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप किसी भी डाउनलोड को शेड्यूल कर सकते हो एक पर्टिकुलर डेट या मे बी टाइम के लिए एंड इवन आप चाहो तो मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई के लिए यहां पे एक लाइक यू नो ऑटोमेशन डाल सकते हो कि जैसे आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तब आपकी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लो कि अभी आपका जो डेली मोबाइल डेटा का कोटा होता है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और ये रात को 12 बजे के बाद फिर से रिफिल होगा और आपको मे बी कोई फाइल डाउनलोड करनी है बट लाइक 12 बजे तक आपको नींद आ जाएगी, तो ऐसे में आप उस डाउनलोड को इस तरह से शेड्यूल करके फिर आराम से सो सकते हो और रात को 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका मोबाइल डेटा रिफिल होगा उसके कुछ देर बाद जो भी आप टाइम यहां पे सेट कर दोगे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। क्या आपके अंदर भी है बात बात पे स्क्रीनशॉट लेने का कीड़ा, बट जब बात आए सही स्क्रीनशॉट ढूंढने की तो आप अपने स्क्रीनशॉट के ढेर में कुछ ऐसे गुम हो जाते हो जैसे आपकी क्रश के DM में पड़ा आपका मैसेज रिक्वेस्ट। वेल देखो सेकंड सिचुएशन का तो कुछ नहीं कर सकते बट फर्स्ट सिचुएशन का काफी सही जुगाड़ है मेरे पास। इस ऐप का नाम है स्क्रीनशॉट गो। फायरफॉक्स स्क्रीनशॉट गो ना मोजिला का ही एक बेटा ऐप है जिससे आप अपने डिवाइस में स्क्रीनशॉट्स को ऑर्गेनाइज करके उन्हें जल्दी से ढूंढ सकते हो, प्लस इट हैज अदर वेरी हेल्पफुल फीचर्स एज वेल। इस ऐप से आप अपने डिवाइस में पड़े किसी भी स्क्रीनशॉट को सिंपली कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर सकते हो, यानी उस स्क्रीनशॉट के किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने पे भी आपको वो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वरना इससे पहले मेरे लिए स्क्रीनशॉट्स ढूंढना घास में सुई ढूंढने के बराबर था। जैसे आप कोई स्क्रीनशॉट लोगे ना तो ये आपको एक ऑप्शन देगा जिससे आप उस स्क्रीनशॉट को किसी भी कलेक्शन में सॉर्ट कर सकते हो लाइक शॉपिंग, चैट हिस्ट्री और यू कैन क्रिएट अ न्यू कस्टम कलेक्शन। विद द टेक्स्ट स्कैनर बटन आप किसी भी स्क्रीनशॉट से वन टैप में टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट करके उसे कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल इट्स अ वेरी यूजफुल ऐप टू मैनेज एंड फाइंड स्क्रीनशॉट्स फास्टर। मान लो कि आप अपने डिवाइस में ना कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या मे बी आप कोई दूसरा काम कर रहे हो और इसी बीच आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट से यू नो व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है
एंड आप सोच रहे हो कि यार काश व्हाट्सएप में कोई ऐसा फीचर होता ना जिससे कि आप व्हाट्सएप में ऑफलाइन हो जाते हैं, मतलब बिना अपने डिवाइस का मोबाइल डेटा ऑफ किए ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो आना रुक जाते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके व्हाट्सएप का जो आइकन होगा ना उस पर आपको क्लिक करके रखना है एंड देन यहाँ से आपको जाना है ऐप इन्फो में एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल डेटा एंड वाईफाई का। तो इसमें जाके अगर आप बैकग्राउंड डेटा को ऑफ कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप अपने रिसेंट ऐप मेन्यू से अगर व्हाट्सएप को हटा दोगे ना तो जब तक आप दोबारा व्हाट्सएप को ओपन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी मैसेजेस नहीं आएंगे। एंड अगर आप चाहो तो डिसेबल वाईफाई एंड डिसेबल डेटा यूसेज, इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप इनेबल कर दोगे ना तो व्हाट्सएप का जो डेटा है वो पूरी तरह से आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, यानी कि जब तक इन दो ऑप्शंस को आप दोबारा से डिसेबल नहीं करते तब तक आपका जो व्हाट्सएप है उसे मोबाइल डेटा या वाईफाई कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से जो भी सामने वाला पर्सन आप लोगों को मैसेज करेगा ना उसको सिर्फ एक ही टिक दिखेगा, मतलब कि जो मैसेज डिलीवरी रिपोर्ट है उसमें आपको डबल टिक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ना आप बिना अपने डिवाइस के मोबाइल डेटा या वाईफाई को ऑफ किए पूरी तरह से व्हाट्सएप पे ऑफलाइन जा सकते हो और आपका जो डिवाइस का डेटा है वो भी इनेबल रहेगा। व्हाट्सएप से रिलेटेड ना एक और ट्रिक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा जिस पे आप व्हाट्सएप चला रहे हो वही सेम नंबर आपको अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेना है एंड जैसे आप उसे कॉन्टैक्ट में ऐड कर लोगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैसेज का और यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो इससे होगा क्या कि मैं मेरे ही नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकता हूँ। तो इस ट्रिक को ना आप कुछ इस तरह से यूज में ले सकते हो कि जैसे मान लो आपको कोई फाइल डॉक्यूमेंट या फोटो जब हमें क्विकली सेव करनी होती है तो हम उसे किसी लाइक यू नो फ्रेंड को या फिर किसी ऐसे नंबर पे व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर देते हैं जो नंबर काफ़ी दिनों तक ऑनलाइन नहीं आया हो। अब देखो अगर वो ऑनलाइन आ जाएगा और आपके ये डॉक्यूमेंट या इस तरह के रैंडम फोटोज फाइल्स वाले मैसेजेस उसको डिलीवर होंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाएगी और आप हर बार अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन भी तो नहीं कर सकते ना कि यार ये फोटो मैंने इसलिए भेजी है कि मुझे इसको सेव करना था। तो आप क्या कर सकते हो ना इन सब फाइल डॉक्यूमेंट्स या फोटोज को आप अपने ही व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करके रख सकते हो और व्हाट्सएप क्या होता है ना क्लाउड बैकअप भी लेता है तो ऐसे में आपके जो फोटोज फाइल्स वगैरह हैं वो सेव भी रहेंगी। एंड इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप वेब यूज करते हो अपने पीसीज में तो आप डिफरेंट डिवाइसेस में उन फाइल्स को इजीली एक्सेस भी कर पाओगे। वैसे गाइस एक क्विक रिमाइंडर दे दूं, अगर अभी तक तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर इसी तरह की वीडियोस तुम फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो नीचे देखो रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन बन के आएगा ना उसको भी ऑल पे सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियो को मिस ना करो। नाउ गाइस जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है मल्टी व्यू ब्राउजर और जैसा कि आप इस ऐप के नाम से ही समझ रहे हो इस ऐप के अंदर ना आप लोगों को मल्टीपल टैब्स में साइमल्टेनियसली ब्राउजिंग करने का फीचर मिलता है जिससे कि आप सिंगल डबल या अप टू 6 व्यू टैब्स में एक ही साथ ब्राउजिंग कर सकते हो। अब देखो इसमें जितने भी टैब्स होंगे ना उनकी जो लाइक यू नो डिवाइस आईडी या फिर आईपी एड्रेस कह लो वो एक तरह से वीपीएन के थ्रू मास्क्ड रहेंगे। अगर आप एक टैब में कोई वेबसाइट ओपन करते हो और दूसरे टैब से भी अगर आप सेम वेबसाइट ओपन करोगे तो क्या होगा ना कि उस वेबसाइट को पता नहीं चलेगा कि आप एक ही डिवाइस में एक ही ब्राउजर यूज कर रहे हो, उसको ऐसा लगेगा कि दो डिफरेंट डिवाइसेज हैं। अब देखो इस ब्राउजर के ना काफी सारे यूज केसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर उसके कंटेंट पे लाइक यू नो ट्रैफिक देना है, व्यू काउंट वगैरह इंक्रीज करना है तो वो आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑटो रिलोड इंटरवल का भी ऑप्शन मिलता है जिससे क्या होता है ना कि वो जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली लाइक रिफ्रेश होती रहेगी है ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे। साथ ही इसके अंदर आपको एड ब्लॉक भी मिल जाता है, यानी कि आप काफ़ी सारी खुराफाती चीज़ों में तुम लोग इस ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो। टोटली लाइक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हो। आमतौर पे क्या होता है ना कि जब भी हमें कोई फाइल जैसे कोई इमेज वीडियो या मे बी कोई फोल्डर जब हमें प्रोटेक्ट करना होता है या हाइड करना होता है तो हम कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं। अब देखो थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ क्या रिस्क होता है ना, अगर उसमें क्लाउड सिंक होता है तब तो ठीक है, वरना अगर आपने मान लो कि लोकली किसी ऐप के थ्रू कोई भी स्टोरेज फाइल हाइड कर दी और वो ऐप अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया ना तो उन फाइल्स को दोबारा से रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड फाइल हाइडिंग वाला जो प्रोसेस है वो आप मैनुअली भी कर सकते हो, इनफैक्ट जो मैनुअल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक ईजी एंड मेरे हिसाब से सिक्योर है। तो किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को मैनुअली हाइड या प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए, जैसे आप अपने फाइल मैनेजर में आ गए एंड यहाँ से मैं अपने लाइक यू नो स्टोरेज डिवाइस में आ गया। अब यहाँ से अगर मान लो मुझे कोई भी फाइल या फोल्डर को अगर हाइड करना है तो सबसे पहले मैं उस फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन रिनेम वाले ऑप्शन में जाके ना इसके नाम से पहले सबसे पहले मुझे एक डॉट लगा देना है बस, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो फोल्डर है वो हाइड हो चुका है यानी कि गायब हो चुका है। अब इस फोल्डर को दोबारा से लाने के लिए मुझे अपने फाइल मैनेजर की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एंड यहाँ से अगर मैं इस शो हिडन फोल्डर्स के ऑप्शन को अगर मैं
इनेबल कर देता हूं तो ये जो फाइल या फोल्डर मैंने हाइड किया था वो दोबारा से दिख जाएगा। अब अगर मैं इसको रिनेम में जाके फिर से इस डॉट को हटा दूंगा तो ये जो फोल्डर या फाइल है वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। नाउ जो दूसरी ट्रिक है किसी भी फाइल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में हाइड करने की, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फोटो को हाइड या प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो इस फोटो को मुझे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो अगर मैं रिनेम में जाता हूं ना तो इस डॉट के बाद इसका एक्सटेंशन लिखा है, क्योंकि एक फोटो है तो इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेपीजी है। डॉट के पीछे जो एक्सटेंशन है ना इसको चेंज कर देना है, इसको आप कुछ भी कर दो, जैसे रैंडमली मैंने इसको XYZ कर दिया लाइक एग्जांपल के लिए, और जैसे मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो अब ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है इस फाइल को लाइक यू नो रीड नहीं कर सकती, मतलब ये इसको ओपन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अब इसका एक्सटेंशन ही कुछ ऐसा है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी लाइक यू नो प्लेयर या मे बी कोई भी दूसरा ऐप अब इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फोटो या वीडियो को लाइक उसका सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करके ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसका एक्सटेंशन दोबारा से लाइक जेपीजी कर दिया तो अब ये जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है एंड ये एक इमेज फाइल है तो मुझे शो भी हो रही है। गाइस मान लो कि अगर आपको अपनी गैलरी के किसी भी फोटो को मल्टीपल लाइक यू नो सोशल मीडिया एप्स पे शेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फोटो व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो आप उस फोटो के शेयर वाले ऑप्शन में जाके व्हाट्सएप सिलेक्ट करोगे। सिमिलरली अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई फोटो शेयर करनी है तो आप दोबारा से उस फोटो के शेयर ऑप्शन में जाके इंस्टाग्राम सिलेक्ट करके फिर उसे शेयर करोगे। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन आप क्या कर सकते हो कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप में बेसिकली क्या होता है ना कि आप किसी भी फोटो को आप क्लिपबोर्ड में ऐड कर सकते हो। सिंपली बस कोई भी एक फोटो है उसको सिलेक्ट कर लो एंड देन शेयर वाले ऑप्शन में जाके बस आपको एक बार इसे लाइक यू नो कॉपी टू क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेना है और उसके बाद ये आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। आप इसमें मल्टीपल फोटोज भी लाइक यू नो सेव कर सकते हो या फिर इस क्लिपबोर्ड में ऐड कर सकते हो और उसके बाद आप लाइक कहीं पे भी चाहे व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम या कोई भी दूसरा ऐप हो वहाँ पे आप इजीली अपने क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में जाके इन फोटोज़ को यहाँ पे लाइक यू नो पेस्ट कर सकते हो। एक तरह से जिस तरह से हम लाइक यू नो टेक्स्ट को कॉपी करके रखते हैं उसी तरह से आप इसमें इमेजेस को कॉपी करके रख सकते हो और फिर जहाँ आपका लाइक यू नो मन करे वहाँ आप उसे पेस्ट कर दो। तो ये प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है। इस ऐप के अंदर ना आप लोगों को मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज करने का फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि सेम गूगल अकाउंट अगर आप यूज़ करोगे तो अगर आप एक डिवाइस में कोई फोटोज अगर क्लिपबोर्ड में ऐड करते हो तो वो दूसरे डिवाइस के क्लिपबोर्ड में भी ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, जिससे आप उन फोटोज को दूसरे डिवाइस से एक्सेस करके उन्हें कहीं भी पेस्ट कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट ये एक छोटी सी ट्रिक है बट काफ़ी बार ये बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। जैसे मान लो कि आपके दोस्त का बर्थडे एग्जैक्ट 12 बजे और आप चाहते हो कि आप बिल्कुल 12 बजे उसको विश करो, यानी कि बेसिकली आप अगर मैसेज वगैरह शेड्यूल करना चाहते हो तो अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट लाइक जो एंड्रॉयड का जो मैसेजिंग ऐप है अगर वो नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेसिकली जो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप है ना वही है, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वैसा कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ से अगर आप मान लो कि किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर कोई मैसेज टाइप करते हो तो जैसे ही आप मैसेज वगैरह टाइप कर लोगे तो यहाँ पे ये जो सेंड वाला आइकन है इसको अगर आप होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे आपको शेड्यूल सेंड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम या डेट पिक करके इस मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो एंड जैसे ही वो टाइम आएगा तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली उसे सेंड हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी सारे ऐप्स बताए ना उन सभी ऐप्स को आप एक साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस मैं ना इन ऐप्स के जो प्रीमियम वर्जन होते हैं वो मैं फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ एंड साथ ही साथ गाइस मैं वहाँ पर ना कुछ एक्सक्लूसिव ऐप्स एंड कॉन्टेंट पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी। मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर सबसे पहले मुझे फॉलो कर लो एंड देन मेरे इंस्टाग्राम के बायो में आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे क्लिक करके आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो रिमेंबर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सी ऐप या फिर ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हो जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर सकूं तो उन ऐप्स या फिर ट्रिक्स के नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने भी इस वीडियो को यहां तक पूरा देख लिया है वो प्लीज कमेंट में #completed जरूर लिख के जाना ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ये वीडियो यहां तक पूरी देख ली है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। पीस।